हाँ मैडम, एक पिक्चर देखे हो ना, थ्री इडियट्स देखे हो ना, तो उसमें एक डायलॉग है आमिर खान का, काबिल बनो कामयाबी अपने आप आपके पास आए, झक मार के। तो ये काबिल कैसे बनोगे ये हम आपको बता रहे हैं। ऐसे बनोगे कि छोटी जो भी आप कैसे, लड़का कहता है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं हमको भूल जाता है, तो भूलता है क्यों? क्योंकि आप सीधे लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हो। हम बता रहे हैं छोटे छोटे शार्ट क्वेश्चन आप तैयार कर डालो, लॉन्ग अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और छोटे छोटे जो क्वेश्चन याद करो उसमें पूर्णता होनी चाहिए, कि यानी कहीं से गलत ना हो, तो कान पे अवस्थान रहे, उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए बेटा। केवल शब्द रटने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप जो जो याद करें बिल्कुल, देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं बेटा कि हमने कीपिंग क्वाइट का टेस्ट लिया, कीपिंग क्वाइट का, उसमें पहले बच्चों को छोटे छोटे उसके जो क्वेश्चन है याद करा दिए, अब उसके बाद उनसे कहा कि कल हम आप लोगों को कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया का टेस्ट लेंगे। किसका? सेंट्रल आइडिया का। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हमने याद करा दिए, वो कक्षा में याद करा दिए, वो पाठक स्टाइल है तो याद हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमने जब टेस्ट लिया तो लड़के कहे कि सर जी बहुत जल्दी याद हो गया। कारण ये है कि जब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद होंगे तो बड़ा क्वेश्चन अपने आप उसी से बना दो, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े आप सोचोगे कि आ जाएगा, नहीं तो गलत है। यानी कि हम या जो आप पढ़े वह दोष रहित हो, उसमें कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है। थोड़ा ही याद करो, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में जो है पूरा सोचो कि अंग्रेजी विषय तुमको आ गया, थोड़ा थोड़ा रोज, ठीक है। आपने एक पार्ट पढ़ा हुआ था डीप वाटर, नहीं तो देखो इंस्ट्रक्टर लेखक को तैरने की कला कैसे सिखाता है, छोटा छोटा करके सिखाता है, और जब पूरा कवर हो जाता है तो एक साथ वह जोड़ देता है और लेखक को एक परफेक्ट स्विमर के रूप में प्राप्त करता है। उसी प्रकार से ये पढ़ाई भी है, नहीं आपकी किताब से बोल रहे हैं, यानी कि आपकी पढ़ाई भी इसी प्रकार से है कि अगर आप छोटे छोटे कार्य को अच्छे ढंग से कर लेते हो तो बड़ा कार्य अपने आप हो जाता है, नहीं? तो ये देखो आज हम टेस्ट लिए हैं कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। देखिए बच्चे लिखे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं। लड़के का नाम है श्लोक दीक्षित, क्या नाम है? श्लोक दीक्षित, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। लड़के का नाम है श्लोक दीक्षित, कैसे लिखा है इसने? देखिए बेटा लिखा है आंसर नंबर एक, जो भी आंसर नंबर है बताया सेंट्रल आइडिया, बीचों बीच लिखा है पाठक स्टाइल, यही बेटा पाठक स्टाइल है बेटा। इसके बाद इसने हेडिंग डाली द पोएम कीपिंग क्वाइट, द पोएट पेब्लो नेरुडा, बड़ा ब्रेकेट देखो लगा है इसमें, जन्म और मृत्यु ज्यादा नौटंकी करने जो होते हैं, शॉर्ट कट ये पैदा हुए ये मरे, ये दिखाना। अगर ये लिख देखते हो तो आप एग्जामिनर सोचेगा कि लड़का बहुत अच्छा है बेटा, क्योंकि उसको एक एक चीज जो है तैयार है, ठीक है। तो देखो इसने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया बेटा, तो देखो सही है सब, ठीक है। अब इसने सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू किया, देखो ये अंडरलाइन भी क्या है, इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस काम एंड साइलेंस, क्या वेरी गुड, यानी कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा बेटा। अंडरलाइन भी क्या, देखो इसको हाईलाइट किया है, हाईलाइट ना करना तुम, केवल अंडरलाइन कर देना बेटा जैसे इसने किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे कॉपी जस्ती बेटा, यानी कि एग्जामिनर जब खुश हो गया तो चार में आपको चार नंबर देगा, चार बटे चार, ठीक है। अगला कॉपी देखिए, विनीत गुप्ता, विनीत गुप्ता देखो बेटा इन्होंने कितनी लापरवाही की है। पहले देखिए आंसर नंबर, यानी कि स्केच पेन लगाया नहीं, सेंट्रल आइडिया लिखे तो ये भी हैं लेकिन तरीका नहीं मालूम, तरीका हमने बताया है, जबकि देखो पोएम और पोएट, यहाँ द पोएम द पोएट होना चाहिए बेटा, और द लड़के जानते ही नहीं कि द क्या है, ये सब गंदी बात है। कीपिंग क्वाइट इन्होंने भी सब कुछ वही लिखा है, ठीक है, सही है। देखो सेंट्रल आइडिया में कभी स्टैंडर्ड चेंज न करना, अब इन्होंने स्टैंडर्ड चेंज कर दिया, एग्जामिनर का मूड खराब हो गया। जबकि लिखे देखो सब है, वन इज नेसेसरी पार्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ
द अर्थ एंड ह्यूमनिटी, सही है, लेकिन एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, उसने नंबर काटा, दिया इनको 3/4, एक नंबर का टेलियो। इस प्रकार से कापी जस्ती बेटा, ठीक है। नंदनी सोनी, इन्होंने क्या लिखा बेटा, कीपिंग क्वाइट, सही है। आंसर नंबर 2, सेंट्रल आइडिया जो भी है, द पोएम द पोएट, देखो लिखा ना बेटा, सही है। ये देखो, ये अंडरलाइन करना चाहिए था इनको, द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस काम एंड साइलेंस, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था बेटा, क्योंकि यही मेन पॉइंट है इसका। ये देखो, ये ठीक है, बारह ठीक लिखा इन्होंने, इनको भी अच्छा। ये नीचे जो एक लाइन है इधर न खींचना, बिल्कुल इसने बाकी सब कुछ सही किया बेटा, कोई कमी नहीं है, सीधे 4/4 नंबर मिला, ठीक है बेटा, अच्छा किया। मयंक शर्मा, मयंक शर्मा का देखिए बेटा, आंसर नंबर 2, सेंट्रल आइडिया, सही है, कीपिंग क्वाइट। इसमें इन्होंने डेथ, बर्थ और डेथ नहीं लिखा बेटा, इसको इनको लिख देना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रभावकारी होगा, ठीक है। अंडरलाइन करने में इन्होंने सही तो किया है, लेकिन ये देखो, ये करना चाहिए था, ये मेन पॉइंट है इसका, इज द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस काम एंड साइलेंस, यही मेन पॉइंट है बेटा। द सिंपल सोल्यूशन ऑफ ट्रबल इज टू कीप क्वाइट, ठीक है। वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्ट, बिल्कुल सब कुछ सही लिखा बेटा, अच्छा लिखा, थोड़ा सा यहाँ बना दे, लेकिन प्रभावकारी है, नंबर इनको पूरा मिला 4/4, जरा से कमी होगी लड़का जो है एग्जामिनर खिसिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही बेटा, सही है, क्या नाम है इनका, अंतरा वर्मा, सही है, कीपिंग क्वाइट। देखो इन्होंने भी जन्म मृत्यु लिखना, हमने बताया जन्म मृत्यु लिखना है, ना लिखाओ तो किताब से देख लो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल चौकस, 4/4, सही है। अर्पित गुप्ता, अर्पित गुप्ता का देखो बेटा, आंसर नंबर जो भी है सही है, कीपिंग क्वाइट। इन्होंने डेथ, जन्म और मृत्यु नहीं लिखा, लिख देना चाहिए। अब देखो इनको थोड़ा सा कमी इन्होंने कर दिया बेटा, यहाँ से लिखना शुरू किया, सही है, ये देखो बीच में घुस गया, ये यहाँ देखो एक पट्टी बन गया, ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब होना नहीं होना चाहिए। आधा नंबर काटेंगे इनको, 3/4 कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखो बेटा, जो पाठक पढ़ाते हैं तो लड़का अपने आप अच्छा हो जाता है, साफ साफ बता दें, क्योंकि वो पाठक स्टाइल है बेटा, वो अपने आप पे आपके अंदर ये भावना आएगी कि हम केवल गाइड, देखो अध्यापक गाइड करता है, ठीक है, और उसको विद्यार्थी फॉलो करता है। अगर सही ढंग से आपने पाठक को फॉलो किया तो 95+ अंग्रेजी में आएगा, मैथ में तुम्हारा भले 75% रह जाए, लेकिन अंग्रेजी में 95% आएगा, पक्का है 100%, ठीक है। थैंक यू, आज इतना।